हेलो फ्रेंड्स, आई एम तान्या एंड वेलकम बैक टू तान्या किचन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पोहा नमकीन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, इसे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स पे बनती है, तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले रखा है नमकीन। बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पोहा लिया है 200 ग्राम, इसको यूपी में चिड़वा भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम पीनट्स ले रखे हैं। यहाँ पे मैंने 8 से 10 करी पत्ते लिए हैं। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए जिसको मैंने बारीक काट लिया है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच आमचूर पाउडर ले रखा है। यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च ली है जिसको लंबा लंबा काट लिया है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ऑयल ले रखा है। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक ले रखा है। यहाँ पर मैंने नमकीन ले रखी है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो नमकीन डालें, अगर आप नहीं चाहते तो नमकीन नहीं डाल सकते। गैस पे में कढ़ाई रखी है, अब हम इसमें पीनट्स डाल देंगे बिना ऑयल के। इसको थोड़ा सा रोस्टेड कर लेंगे जिससे इसका कच्चापन सारा निकल जाएगा। इसको हम मीडियम फ्लेम पे रखें जिससे ये लगे ना, और इसको लगातार हम चलाते रहें। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे कढ़ाई में। ये गर्म हो जाएगा। हमारा तेल गरम हो गया, अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें अभी ही मूंगफली डाल देंगे। इसको भी इसी के साथ में भूनेंगे। और अब हम इसमें पोहा डाल देंगे। अब हम इसको चलाते रहेंगे। ध्यान रखना इसको लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो ये लग जाएगा नीचे। लगातार चलाते रहना है जिससे ये लगे ना। देखिए पोहा का कलर चेंज होने लगा है। इसी तरह से हमें इसे लगातार चलाना है। इसको हमें लो फ्लेम पर ही रखना है और इसे लगातार चलाते रहना है। पोहा अच्छे से फ्राई हो गया है, अब हम इसमें अभी आमचूर पाउडर डाल देंगे जिससे इसमें थोड़ा सा खट्टा टेस्ट आएगा। इसको चलाएंगे अभी। अब हम इसमें नमक डालेंगे। मैंने काले नमक का यूज किया है, आप चाहें तो सफेद नमक भी डाल सकते हैं। मैंने काला नमक इसलिए यूज किया है, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। इसको चलाएंगे। अब हम इसमें नमकीन डाल देंगे। हमने यहाँ पे मिक्स दाल की नमकीन का यूज किया, आप चाहे सेव वाले नमकीन का भी यूज कर सकते हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और नमकीन को एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसको प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें गार्निशिंग करेंगे हम प्याज से और करी पत्ते से। हमने यहाँ पर प्याज का यूज किया, इसलिए हम इसे स्टोर नहीं कर सकते, इसे तुरंत के तुरंत गर्मा गर्म खाएंगे। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसमें प्याज का यूज ना करें।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी पोहा नमकीन की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड्स।